आज जो है हम सेकंड मॉडर्न थ्योरी जो है ऑफ बॉन्डिंग वो स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्पर में हमने क्या पढ़ा था। वेस्पर ने जो चीज़ हमें बताई थी वो ये थी कि आपके पास शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो सी हैं वो कैसे डिफाइन होती हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मौजूदगी में। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि बॉन्ड बनता कैसे है, उसने ये बताया कि जब भी बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर लॉन और बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे उनकी ज्योमेट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जबकि VBT जो है वो फोकस करेगी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, के बॉन्ड जो बनाता है दो एटम्स मिलके आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बेसिकली बनता कैसे। तो VBT जो होती है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताएगी। अब VBT का एक ही मेन पोस्टुलेट है और उसी की हम एग्जांपल्स के थ्रू मेनली स्टडी करेंगे। वो ये कहता है कि अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब क्या होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो उनसे होंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, दे ओवरलैप। दिस इज इम्पोर्टेंट जो कि इस थ्योरी की असास है, ओवरलैपिंग। वो कहता है जी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ऑफ द एटम्स दे ओवरलैप, और ओवरलैप इस तरह से करेंगे सो दैट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। जाहिर सी बात है, तो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड का मतलब एक मौजूद है दूसरा नए वाले एटम के साथ आएगा, और ये जोन से हैं जो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम होगा दे विल ऑक्यूपाई दी ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। ये जो ओवरलैप होने के बाद जो एरिया बना आपके पास, जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल बना उसको ऑक्यूपाई करेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक एक एटम से होगा और दूसरा दूसरे एटम से होगा, और इनका जो सा पेयर है इलेक्ट्रॉन का देयर विल बी इन ओपोजिट स्पिन। ये तो पुरानी बात है, हम अपने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर इकट्ठे होते हैं दे हैव ऑलवेज दी ओपोजिट स्पिन। तो बेसिकली जो VBT की असास है या VBT का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दो ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनका हाफ फिल्ड होना ज़रूरी है, और वो ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद अपना जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके नए ओवरलैप्ड ऑर्बिटल के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस एरिया को, और आपस में अपनी स्पिन को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं ऑपोजिट स्पिन के हिसाब से। ये तो हो गई VBT जो कि जनरल उसने बात की है, और इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। फिर वो एक और पॉइंट कहता है कि जितना ज्यादा एरिया ओवरलैप होगा, लार्जर द ओवरलैप, ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि अगर ये एक चीज़ है और ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है तो दिस इज़ द एरिया ऑफ ओवरलैप। वो कह रहा है जी अगर जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड, जितना बॉन्ड स्ट्रोंग होगा मतलब क्या है, ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा हुई हुई है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मतलब क्या है कि हाफ फिल्ड हो और ओवरलैपिंग जोन सी है वो ज़रूरी है। अब हम इसकी जोन सी है वो डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स के तौर पे, पहली जो एग्जांपल है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम जो चीज स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको पुरानी बात रिवाइज करवा दूँ। एस ऑर्बिटल आर सर्कुलर इन शेप, ये हम पढ़ के आए हुए हैं अपने फिफ्थ चैप्टर में। एंड पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप्ड बाइलोब्ड, उनकी इस तरह की शेप होती है, जस्ट फॉर रिमाइंडिंग यू। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो हाइड्रोजन इज वन, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s1। एफ ऑर्बिटल है तो ये सर्कुलर होगा, दिस इज सर्कुलर हाइड्रोजन एटम। ओके लेट मी चेंज द कलर। ये मेरे पास एक दूसरा एटम है हाइड्रोजन ही का। ओके अब इन दोनों ने एक दूसरे के करीब आना है और एक नया जो है वो बॉन्ड बनाना है। इनकी क्या होनी है, ओवरलैपिंग होनी है। अब जो इनकी ओवरलैपिंग होनी है वो कुछ इस तरह से होगी। दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड ये सेकेंड वन। ये क्या है, अब ओवरलैप्ड मॉलिक्यूल एटम्स हैं। जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तो फिर ये एक नई इस तरह की चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे भी प्लस चार्ज और यहाँ पे भी प्लस चार्ज, एंड दिस इज दी कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एटम। कि इस तरीके से जो कोवलेंट बॉन्ड है इन H2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो VBT ने कहा कि दो हाफ फिल्ड है ना, इसके अंदर दो आ सकते हैं लेकिन एक मौजूद है इसके अंदर, एक मौजूद इसके अंदर। तो दे हाफ फिल्ड टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप, उन्होंने ओवरलैप किया और आपके पास एक दूसरे के साथ उन्होंने एडजस्ट किया और ये एक बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द लाइट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पे जो है आप इसको देखें अगर, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आपके पास आएगी, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है कि जब भी दो ऑर्बिटल्स जो उनसे हैं पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से इन सच अ वे वो ओवरलैपिंग उनकी इस तरह की हो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम हो, अराउंड द लाइन joining the two nuclei। ये definition आपकी book में भी given है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये दो nucleus थे, इन्होंने जब overlap करके एक नया bond बनाया तो ये दो nucleus को जो line join कर रही है this line, यहाँ पर इसकी probability जो सी है electron की अगर maximum होगी तो दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड। और अगर इनके ऊपर होगी वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अबाउट द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे फिलहाल आप इतना याद रखें कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन द टू न्यूक्लियाई देन द बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। अब हम अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन होती है 1, तो 1s1। इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ ये स्पिन को शो करने के लिए, अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ स्टडी की थी इन आवर प्रीवियस फिफ्थ चैप्टर। तो हाइड्रोजन 1s1 होता है, फ्लोरीन इज 9, तो ये होती है जी इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2s2। आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल लिख रहा हूँ, 2px में भी दो,
टू पी वाई में भी दो और टू पी जेड में जो होगा वो इसके एक होगा दिस। अब ये वाला और ये वाला जो सा है आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड को बनाएंगे। अब इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, 1s हाइड्रोजन को अगर मैं बनाऊं शक्ल तो उसकी तो उसी तरह होगी, 1s1s सर्कुलर होता है, जबकि जो F है F का 2pz जो होगा वो इस शेप में होगा। तो मैं सिर्फ वही ऑर्बिटल बना रहा हूँ, 2pz बनाया बेसिकली ये मैंने, वही जिनकी ओवरलैपिंग होनी है, क्योंकि इनकी तो ओवरलैपिंग नहीं होनी तो इनको ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ 1s, ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। ये एरिया क्या है, दिस इज़ दी ओवरलैप। अब ये ओवरलैपिंग करने के बाद जो इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये क्या हुआ, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दे केम क्लोजर, दे ओवरलैप एंड दे फॉर्म दिस बॉन्ड। तो क्या हुआ कि हाफ फिल्ड 2pz हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल था फ्लोरीन का और 1s1 हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल था इसका, तो s और p ने आपस में ओवरलैपिंग की और हमारे पास जो है एक नया एटम बन गया, नया बॉन्ड बन गया। दिस इज व्हाट VBT जो है प्रपोज्ड। अब अगर हम बात करें अबाउट दी F2 की, फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड की, तो फ्लोरीन की फ्लोरीन की अभी हमने लिखी थी 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो फ्लोरीन का जिसने आना है ये दो एंगल्स तो दूसरे हैं, इसके ऊपर होगा 2pz प्लस इसी तरह होगा 2pz इसका, ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दे विल बी ओवरलैपिंग समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास आ गया ओवरलैप। ये ओवरलैप जो होगा ये आगे चल के इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाएगा इस तरह का। इन दोनों ने ओवरलैप किया और एक जो बॉन्ड यहां पर बनेगा, तो दिस इज दी, अब यहाँ पे देखें ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे है कि ये जो न्यूक्लियसेस हैं इनके दरमियान फाइंडिंग दी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास फ्लोरीन की। अब दो तरह की जोंसी हैं वो हो सकती हैं यहाँ पे। अब हम डिफाइन करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ दी पाई बॉन्ड। जब भी आपके पास साइडवेज मतलब साइड टू साइड ओवरलैप हो तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, दैट विल बी द पाई बॉन्ड। मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड की एग्जांपल हमने देखी कि दो करीब आए और इन्होंने ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। अब मैं बात करता हूँ दो पी ऑर्बिटल्स की। अभी जो पीछे हमने ओवरलैप देखी वो इस तरह की ओवरलैप थी, तो दिस वाज ओवरलैप। अब पी चूंकि तीन होते हैं एक्स वाई और जेड, तो इस डायरेक्शन में भी तो पी आपस में एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। अब जब ये इस डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे समथिंग लाइक दिस, तो ये जो साइडवेज वाली ओवरलैप है इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो ये होगी कि ये दो न्यूक्लियस और ये चूंकि ओवरलैप ऊपर हुआ है इनके, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया है सर्कल, दिस इज बेसिकली द प्रोबेबल द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड। तो इसमें आप देखें कैन बी फाउंड, तो उसके अंदर क्या था कि वो लाइन जो दो न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही होती थी, इलेक्ट्रॉन उसके दरमियान मिलता था, तो वो सिग्मा बॉन्ड था। और पाई बॉन्ड क्या है कि जब भी आपके जौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जौन सी उसकी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ मिले, अबव या बिलो, ये अबव है या बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये एक्सिस है ना न्यूक्लियस का आपस में जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके ऊपर या इसके नीचे जब मिलेगा तो दैट बॉन्ड विल बी दी पाई बॉन्ड।
तो यहाँ पे आपके पास जो VBT हमें दो चीज़ें बताती है, VBT हमें सिग्मा एंड दी पाई बॉन्ड के बारे में बताती है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपके पास पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब इसके जो से तीन बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के, वो हमने देखने हैं कि कौन से होते हैं, सिग्मा होते हैं या पाई बॉन्ड होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो दैट इज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ शक्ल इस तरह की होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास तीन एक्सिस हैं तो तीनों एक्सिस के ऊपर क्या है, एक लोब मौजूद है। अगर मैं कहता हूँ कि ये एक्स वाई एंड जेड है तो दीज आर द थ्री डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट ऑफ, तो ये कौन सा होगा, पी एक्स, ये पी वाई और पी जेड। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एक ड्रॉ करता हूँ अबाउट, दूसरा एक नाइट्रोजन एटम ड्रॉ करता हूँ तो उसी तरीके से मेरे पास तीनों एक्सिस के ऊपर तीन लोब्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और इनकी ओवरलैपिंग होगी। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इसको अब अगर मैं ड्रॉ करूं इनकी ओवरलैपिंग को, तो ये आपके पास जो ये वाले थे इन्होंने आपस में क्या की, ओवरलैपिंग की, सही है। और जो आपके पास मौजूद थे ये वाले, वो अभी वैसे के वैसे ही हैं। ओके, अब ये जो ओवरलैपिंग हुई इसके नतीजे में जो चीज़ आपके पास बनी वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो बन गई। ये जब ओवरलैप होंगे तो एक आपके पास लंबा लोब बन जाएगा इस तरह का, और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही रहेगा, एक लोब इधर, एक लोब इधर, वन लोब हेयर एंड वन लोब हेयर। ये तो हो गई सिग्मा बॉन्ड। जब भी हम, क्योंकि इसके अंदर ये न्यूक्लियस है तो इनके दरमियान वाली लाइन के अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जब भी ये इस एंगल से मिलेंगे दिस वुड बी द सिग्मा बॉन्ड। अब पीछे बचे दीज पी एक्स एंड वाई, ये जेड वाला तो फारिग हो गया ना, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब ये एक्स और वाई बचे हैं। इस स्ट्रक्चर को जब मैं आगे इधर अगर मैं बड़ा करके ड्रॉ करूँ तो दिस इज दी लॉग जो के बन चुकी है, ये। अब जब ये आपस में बनाएंगे तो जाहिरी सी बात है कि ये, अगर मैं इस वाले की बात करूं, सिंपल इस वाले की बात करूं, अगर मैं इसको तोड़ूं और मैं सिर्फ ये एक्स वाले को अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं दोनों के, तो इसका x ऐसे है और इसका भी x ऐसे है, तो ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये बनाएंगे ये चीज़, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये मैंने x एक्सिस को यहाँ पे x एक्सिस वाले px को मैंने ड्रॉ किया, ये जो x है। अब ये जो y वाला है दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ पे तोड़ के लिखूँ तो इसका y ये है और इसका भी y ये है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के जब करीब आएंगे इनकी भी जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह की होगी, ये जो इनकी ओवरलैपिंग होगी इसके नतीजे में जो इनकी चीज़ बनेगी वो भी कुछ ऐसी बनेगी, और ये भी कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। तो इससे पता ये लगा कि नाइट्रोजन के दरमियान वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू, ये जो एक्स वाला भी मिलेगा तो ये पाई बॉन्ड, और ये वाई वाला मिलेगा तो ये पाई बॉन्ड। तो ये इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपकी जो ये वाली लोब है ये अंदर छुप जाएगी और जो दो एक्स और वाई थे वो आपके पास
बॉन्ड जो सा है आपके पास बनाएंगे यूं, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा. तो दीज आर द चार्जेस जो कि थ्री डायमेंशन में हैं ऑफ द पाई बॉन्ड्स, जो कि दो पाई बॉन्ड थे और जो अंदर है जो छुप गया है दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड. तो VBT ने हमें ये बताया कि जब भी जो है साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी दी सिग्मा बॉन्ड. और यही बॉन्डिंग जो होती है हमने आगे चल के मजीद स्ट्रक्चर्स में भी देखनी है. तो दिस वाज दी VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसको अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ तो वो कहता है जी हाफ फिल्ड आपके पास ऑर्बिटल हो, दे ओवरलैप एंड ऑक्यूपाई द स्पेस. कौन स्पेस करे? तो ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन. उनकी स्पिन क्या हो? ऑपोजिट हो तो आपके पास जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. सिमिलरली अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपके पास H2S की एग्जांपल भी वो डिस्कस करता है हाइड्रोजन सल्फाइड की. अगर मैं हाइड्रो सल्फर का लिखूं कॉन्फ़िगरेशन तो ये होती है 3S2 3PX2 और 3PY1 एंड 3PZ जो है दैट इज़ आल्सो 1. तो इनको जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पे इसके साथ जो है हाइड्रोजन का एक आके बॉन्ड बनेगा और इधर भी एक और हाइड्रोजन का आके बनेगा और ये H2S जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन होगा. इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो अगर ये आपके पास है तो ये मैं कहता हूँ 2PX है, ये अगर X एक्सिस है तो ये फील्ड है, ये 3PX था जिसके अंदर ऑलरेडी दो मौजूद थे. लेकिन जो उनसे हाफ फील्ड हैं वो ये हैं, दिस इज़ हाफ फील्ड एंड दिस इज हाफ फील्ड. ठीक है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ दिस इज फुल फील्ड, क्योंकि 20 की मैंने लिखी थी वो थी 3PX2 3PY1 एंड 3PZ1. तो 3PX तो कंप्लीट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और दूसरा यहाँ पे आएगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा और आपके पास बॉन्ड बन जाएगा. तो ये H2S का स्ट्रक्चर होगा. और वो कहता है जी कि आपके पास जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद होती हैं इनका जो एंगल है दैट इज़ 92 डिग्री. तो ये हमें VBT से बताया कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कि वेन टू ऑर्बिटल विच आर हाफ फिल्ड दे ओवरलैप एंड फॉर्म दी बॉन्ड. तो ये हमारा VBT का टॉपिक था. अब हम इसकी फर्दर डिटेल जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी चीज़ें हैं वो स्टडी करेंगे.